खबर गरियाबंद से है, जहां जिला पुलिस ने एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान का नाम सुनील कुमार यादव है और देर शाम जवान नाइट ड्यूटी के लिए आ रहा था। इसी दौरान आधे रास्ते में उसकी बाइक खड़ी ट्रक से टकरा गई। घटना में सुनील यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जवान सिटी कोतवाली में पदस्थ था। मामले में SDOP का कहना है कि उक्त सिपाही की मौत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट थी और वो पांडुका नागझर का रहने वाला है। वो अपनी मोटरसाइकिल से थाना के लिए निकला था और बारुका के पुल के पास में एक छोटा ट्रक है टाटा का, जिसका नंबर CG17H2001 है और वो गाड़ी जो है कि बारुका पुल के पास में उसका जो ड्राइवर है लापरवाही से गाड़ी को रोड में खड़ा कर किया हुआ था और पीछे इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था और जैसे ही हमारा आरक्षक उसकी गाड़ी के पीछे आया अचानक ड्राइवर ने गाड़ी को बैक कर दिया। गाड़ी जैसे बैक हुई तो और जिस कारण से हमारा जो आरक्षक है वो ट्रक की चपेट में आ गया, पीछे से चपेट में आ गया और उसको जब हॉस्पिटलाइज करवाया गया हॉस्पिटल में गरियाबंद में, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है और पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके खिलाफ में ड्राइवर के खिलाफ में और समझौता कार्रवाई की जा रही है।